हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलिब्रिटी रेसिपी। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आज का जो रेमेडी है बहुत ही अमेजिंग है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप गर्मियों में फेसियल कैसे करती हैं घर पे, तो मैंने तो दो तीन ऐसे वीडियो डाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और आज की वीडियो तो आपको इंस्टेंट ग्लो जो होता है ना, कि हमें तुरंत ग्लो चाहिए, जैसे पार्लर वाली ब्लीच करके तुरंत ग्लो दे देती है चेहरे पे ना, बस वही होने वाला है। मतलब ब्लीच नहीं देने वाली हूँ मैं, पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगी ना से आपकी स्किन पे बहुत ही ज्यादा ग्लो आएगा, बहुत ही ज्यादा। और हाँ, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि ब्लीच से ज्यादा दूर रहिए जितना हो सके। ब्लीच बहुत ही खराब पड़ता है स्किन को। तो सबसे पहले फेसियल करने में पहला स्टेप है क्लींजर। तो क्लींजर करने के लिए मैं घर पे बनाया हुआ फेस वॉश यूज करूंगी, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं कौन सा फेस वॉश यूज करती हूँ। तो ये देखिए, थोड़ा सा लेंगे और इसमें वॉटर एड करेंगे और ओवरऑल फेस पे लगा के फेस को क्लीन कर लेंगे। ये हो गया हमारा फेस क्लीन। तो अभी फेस वॉश करके आ गई हूं, तो फेसियल का दूसरा स्टेप हम करेंगे, जिसमें हम करेंगे स्क्रबिंग। स्क्रब के लिए मैंने लिया है ओट्स पाउडर, जो कि जई का जो आटा होता है वो, और ये मैंने घर पे बनाया है, आप देख सकते हो। तो ये जई है, जौ, जो जिसको पता होगा जई को ही जौ बोला जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो इस तरीके से हम हाथ से इसको ले लेंगे थोड़ा सा स्क्रबिंग करने के लिए, ये देखिए। और हल्का सा कुछ नहीं ऐड करना, हमें वाटर ऐड करना है और स्क्रबिंग करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा दरबरा, मतलब ज्यादा महीन नहीं है, बहुत ही ज्यादा महीन नहीं है। और इसमें वाटर ऐड करेंगे और करेंगे स्क्रबिंग। और गाइस, इस फेसियल में ना आपको मैं बता देती हूँ, आपको इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा। ये देखिए, स्क्रबिंग हम करेंगे। स्क्रबिंग से क्या है कि जो हमारे ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, डेड सेल्स वगैरह होते हैं ना, वो सारी चीजें निकल जाती हैं। और ये लिप्स जो ब्लैक ब्लैक होती है ना, इन पे भी आप स्क्रबिंग कर सकते हो। इसे करने से क्या हो, पिगमेंटेशन जो लिप होता है ना, लिप पे से जो पिगमेंटेशन होता है वो निकल जाता है। तो अभी फेस वॉश करके आ गई हूँ। अब फेसियल का तीसरा स्टेप करेंगे, जिसे मसाज करते हैं। तो मसाज जो होता है ना, वो फेसियल में बहुत ही ज्यादा मस्ट होता है। मसाज के लिए हम यूज करेंगे पपाया। पपाया एंटी एजिंग का काम करता है। पपाया बहुत ही अच्छा होता है, स्किन को वाइटन और ब्राइटन करता है, स्किन को स्मूथ रखता है, और स्किन पे से जो भी दाग धब्बे हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, ये उसे रिमूव करता है। और ये बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, जो कि आप अपने डेली फेस पैक या फेस वॉश या फेसियल में यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है। और चलिए, इसे हम अच्छे से अपने फेस पे लगाते हैं। आप ये मत समझिए कि ये गिर रहे हैं, तो सब के गिर रहे हैं। आप बाउल में इस तरीके से लीजिए और अपने फेस को थोड़ा सा नरिश करिए, और ये स्किन को नरिश करता है। ये देखिए, इस तरीके से हमें मसाज करना है। और ये देखिए, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ही ज्यादा अच्छे से करना। ये देखिए कितना ज्यादा येलो, जो ये येलो येलो हो रहा है ना, आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से ये हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, नरिश करेगा, स्किन को वाइटन और ब्राइटन बनाएगा। ये देखिए, आप देखिए जहां पे लगा है वहां की स्किन कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए कितना अच्छे से मसाज हो रहा है स्किन का, बहुत ही ज्यादा अच्छे से मसाज हो रहा है। ये देखिए, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आया था कि समर के लिए फेसियल शेयर कीजिए। तो देखिए, इससे बेस्ट फेसियल कुछ नहीं हो सकता। वाओ, मतलब ये देखिए, ये देखिए, आपको फ्रूट का पल्प लेके बस इस तरीके से आपको इसी पे मसाज करते रहना। ये देखिए, इस तरीके से आपको मसाज करना है। जब भी आप मसाज करिए, बहुत ही जेंटल और ऊपर की तरफ, अपवर्ड एक्शन में। ये देखिए, ग्लो
चेहरे का कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए हम बनाते हैं फेस पैक। तो अभी मैं फेस वॉश नहीं की हूँ, जो भी पपाया लगा है फेस में वो लगा ही है, क्योंकि इसे हम वॉश नहीं करेंगे। तो फेसियल का चौथा स्टेप है, चौथी स्टेप में हम बनाएंगे फेस पैक, ग्लोइंग फेस पैक। तो गाइस मैंने उपटन शेयर किया था लास्ट वीडियो में, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अमेजिंग है। और जिस जिस लड़कियों की शादी होने वाली है उन्हें तो जरूर ट्राई करना चाहिए, और वैसे भी सारी लेडीज लोग को जरूर ट्राई करनी चाहिए। इवन लड़के लोग और मेन्स लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए, स्पॉटलेस बनाने के लिए, बहुत ही अच्छा बनाने के लिए। तो अभी हम लेंगे जई का आटा, ये देख सकते हैं, जिसे बहुत लोगों को पता होगा कि जई जौ एक ही होता है, इसे हम इंग्लिश में ओट्स बोलते हैं, ओट्स पाउडर। तो इसे मैंने घर पे ही ग्राइंड करके रख लिया है, और ये बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद है, बहुत ही ज्यादा। इसे मैं हमेशा अपने वॉशरूम में रखती हूँ। और ये देखिए 1 स्पून काफी है मुझे पैक बनाने के लिए, क्योंकि मैं इसे बहुत ही अच्छे से बचा बचा के यूज करती हूँ। और उसके बाद मैं लूंगी थोड़ा सा हल्दी, और ये भी घर का ही बनाया हुआ है, जिसको पता होगा कि गाठ की हल्दी घर पे बना के सब यूज करते हैं, वही ये हल्दी है, और थोड़ा सा यूज करेंगे, ये देखिए बहुत ही थोड़ा सा, 1/2 स्पून से भी कम, बहुत ही कम। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी वाटर, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। इस तरीके से आपको फेस पे लगा लेना। तो इसे मैं करीब 15 मिनट तक रखूंगी, फिर मैं ड्राई करूंगी इसे 15 मिनट तक, फिर मैं इसको वॉश करूंगी। फेस वॉश करने के बाद आप स्किन देखिए कितना ज्यादा ग्लोइंग लग रहा है, कितना ज्यादा नरिश लग रहा है, हाइड्रेटिंग लग रहा है, कितना अमेजिंग लग रहा है, ये देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।